प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 87 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का ये जो कार्यक्रम है 88वें नंबर 88th नंबर का कार्यक्रम होने वाला है इस सीरीज का। साथ ही साथ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 550 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 551वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। ये 550 लोग वही हैं जो कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या इस चैनल के वीडियोज को देख रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में लग जाता है, तो कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा। अभी कॉमेंट सेक्शन, बहुत से लोग वीडियोज देखते तो देख ही रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं कि उन्होंने 64वें नंबर में 65वें नंबर में अपना प्रश्न दिया था और फिर अभी 87 88 में वो कमेंट करके बोलते हैं कि हमारी कुंडली का अध्ययन तो हुआ ही नहीं। तो कुंडली का अध्ययन हुआ है, वो व्हाट्सएप कमेंट में उनको बता दिया जाता है कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। अब वो गलती आपकी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप प्रत्येक कार्यक्रम को देखते नहीं है, तो आपकी कुंडली का अध्ययन होकर के निकल जाता है। प्रत्येक कार्यक्रम में 5 से 6 जन्म कुंडलियों का अध्ययन होता है और आपको होश आता है 2-2.5 महीने बाद, तो तब तक तो 20-25 जन्म कुंडली से ऊपर का अध्ययन हो चुका रहता है। फिर आपको सभी कार्यक्रम लाइन से देखने होंगे। हमारे यहाँ से आपको प्रोग्राम का नंबर या किस प्रोग्राम में आया है, उस प्रोग्राम की डेट इत्यादि कुछ भी नहीं बताई जा सकेगी क्योंकि वो मेंशन ही नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुंडली का अध्ययन होता अवश्य है और जिनका भी कमेंट आया था उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उनकी कुंडली का अध्ययन बकायदा हो चुका है या पेपर पर लिखा हुआ है, तो वो फिर ढूंढें अपना। और इसके साथ ही साथ अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं और अगर आपको आने वाले वीडियोस जो इस चैनल पर है वो पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करिए और हो सके तो इस चैनल को और लोगों के साथ में भी अगर आप शेयर करें तो वो अच्छा होगा। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहली जन्म कुंडली जो होगी, जो कि 551वें नंबर की होने वाली है सीरीज की, वो हर्ष साहू की है। तो हर्ष जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है आपने 15 फरवरी 2002। जन्म का समय बताया है 4:50 AM और जन्म स्थान है नरसिंहपुर मध्य। हर्ष जी, धनु लग्न है आपका, राशि आपकी मीन बनती है, तो पूरी तरह से गुरु से प्रभावित हैं आप। लग्न का मान 28 अंश है जो कि कमजोर माना जाएगा। मृत अवस्था का लग्न है आपका और गुरु जाकर के सप्तम भाव में लग्नेश बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी कर रहा हूँ, सफलता कब मिलेगी और करियर कैसा होगा? वैसे देखिए, धनु लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और धनु लग्न पूरी तरह से आप गुरु से प्रभावित हैं, तो टीचर बनने के योग तो आपकी जन्म कुंडली में बन जाते हैं। लेकिन परेशानी क्या है? लग्नगत केतु का होना पहली परेशानी, इससे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। और दूसरी परेशानी है, लग्नेश जो है आपके गुरु, वो नवमांश कुंडली में जाकर के नीच राशि में बैठे हैं। प्लस पॉइंट है कि आपका लग्न वर्गोत्तमी है, लेकिन लग्नेश जो आपके गुरु बनते हैं वो नवमांश में नीच राशि में बैठे हैं, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी का कारण तो बनेंगे ही बनेंगे। नवमांश कुंडली में सूर्य का नीच राशि में बैठना, वो भी राहु के साथ, आपके सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है और सरकारी नौकरी की संभावनाओं को बहुत हद तक ये कम कर दे रहा है। फिर भी इस कुंडली में टीचर बनने का तो योग है, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जा पाएंगे। सरकारी में कोई बहुत अच्छा मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप सरकारी नौकरी प्रयत्न से ले भी लेते हैं तो भी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ उधर पे नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन हाँ, फिर भी टीचर बनने के योग हैं। कुछ उपायों को करिए, कुछ आराधना करिए, सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल दीजिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सोने का छल्ला बनवा करके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में धारण करिए गुरुवार के दिन, और माथे पर केसर का तिलक लगाइए और नित्य हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। इनको करें
करियर का पार्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन लग्नेश के कमजोर हो जाने के चलते दशमपति भी नवमांश में नीच राशि में बैठे हैं, तो करियर का पार्ट वैसे तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा करियर वो ग्रह बल के अनुसार तो नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि लग्नेश जब भी नवमांश में नीच के होते हैं जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है। लग्नगत केतु है, 20 साल की तो आपकी उम्र हो ही चुकी है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि लग्न में जब केतु जाकर के बैठे हुए हैं तो जातक के उसके व्यक्तित्व को भ्रमित करने लगते हैं, तो कन्फ्यूजन तो दे ही रहे हैं केतु, और उस कन्फ्यूजन की वजह से एग्जामिनेशन निकालने में और प्रॉब्लम आएंगी। तो ये कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो उपाय बताए हैं उनको करिए, और मैं तो यही कहूँगा कि हाँ टीचर की लाइन में जाएं, लेकिन प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट मिलना बहुत मुश्किल है आपके केस में। अगली जन्म कुंडली है सौरभ पाटिल जी की, डेट ऑफ बर्थ है 23rd सितंबर 1980, सुबह के 8:30, जलगांव महाराष्ट्र। तुला लग्न है आपका और राशि आपकी कुंभ बनती है, तो वायु तत्व ये लग्न है, वायु तत्व ये राशि है, इसको अच्छा माना जाएगा। कुंडली कैसी है और मैं कौन से कलर की बाइक लूं? बाइक लेने से पहले कलर का क्या विचार कर रहे हैं? कुंडली आपकी देखा जाए तो लग्नपति दशम भाव में जाकर के बैठे हैं, दशम भाव में राहु भी है आपकी कुंडली में, और पंचम भाव का स्वामी बारहवें में है, भाग्य भाव का अधिपति भी बारहवें भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है, गुरु का लाभ भाव में होना, धन भाव का स्वामी लग्न में है, लग्नगत मंगल है, थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, दशम भाव में राहु है, और महादशा के आधार पर कुंडली का निर्धारण किया जाता है कि कुंडली कैसी है, तो बुध की दशा आपको 2036 तक चल रही है, तो फलस्वरूप आपकी कुंडली को मैं अच्छा ही कहूँगा। और रही बात कौन से कलर की बाइक लूँ, तो क्या ऑप्शंस होते हैं देख लीजिए, जो भी हो बाइक तो ज़्यादातर ब्लैक ही होती है, रेड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में होती है, बाइक का कलर कोई विचारणीय नहीं है, आपको जो पसंद आता है वो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है वो दिनेश कुमार जी की है, तो दिनेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूँ 7 फरवरी 1992, रात के 11:55 और न्यू दिल्ली। ये जन्म कुंडली भी तुला लग्न की है दिनेश जी आपकी, और राशि आपकी मीन बन रही है। मेरी शादी कब होगी, इन्होंने पूछा है। सप्तम भाव का अधिपति पराक्रम भाव में जाकर बैठा है, वर्गोत्तमी है, उत्तर है साढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है, और केतु में मंगल का अंतर आपको 30 मई 2023 से प्रारंभ हो रहा है, तो 2023 में विवाह के योग बनते हैं, लेकिन ये महादशाओं के आधार पर है, गोचर कुंडली के हिसाब से नहीं है, गोचर कुंडली अब विवाह को विवाह की तरफ इशारा कर रही है 2024 में, लेकिन फिर भी 2023 में अगर दशाएं हैं तो 2023 और 2024 ये दोनों ही वर्ष विवाह के वर्ष दिखाई पड़ रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में, आपके जन्म स्थान से। वैसे तो यहाँ इंटरकास्ट मैरिज के भी योग समझ में आ रहे हैं, फिर भी देख लीजिएगा आपके जन्मस्थान से नॉर्थ डायरेक्शन से या फिर साउथ डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने के चांसेस हैं, और बकायदा कुंडली मिला करके ही आप अपना विवाह करिएगा। वैसे तो आप जन्म लग्न से और चंद्र लग्न से मांगलिक तो नहीं है, लेकिन चौथे भाव में सूर्य और शनि की युति का बनना और सप्तम भाव पे दृष्टि के रूप में अगर देखते हैं तो राहु और वक्री गुरु की दृष्टि आ रही है, तो तुला लग्न की कुंडली में वक्री गुरु की दृष्टि जो है वो भी बहुत ज़्यादा आपको लाभ दे पाए ये मैं कम ही देखता हूँ। राहु की दृष्टि है, शुक्र भी राहु के साथ में बैठे हुए हैं, हालांकि वो भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, लेकिन मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं प्रेम विवाह और केतु की महादशा में भ्रम के चलते विवाह कर लेना और फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आने को प्रदर्शित करता है, तो कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा और दिल की जगह दिमाग से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली जन्म कुंडली है त्रिलोकी गुप्ता की, तो त्रिलोकी जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ 3rd of October 1989, सुबह के 8:43 और जन्मस्थान है चेन्नई। तुला लग्न है और तुला राशि है, ऐसा लग रहा है जन्म कुंडली आपकी देखी हुई है पहले। क्या मैं राहु का स्टोन गोमेद धारण कर सकता हूं?
राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं जा करके, और नवमांश में तुला राशि में है। नहीं, क्यों पहनेंगे आप राहु का रत्न? क्या करते हैं आप? पहले तो आपको मुझे अपना प्रोफेशन बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, राहु के जेमस्टोन की तरफ आप मत जाइए। राहु का जेमस्टोन धारण करना आपके लिए मुझे सूटेबल नहीं दिखाई पड़ता। आप गोमेद ना पहने, बाकी अन्य रत्न जो है आप उसकी तरफ जाएं। जैसे कि इस कुंडली में कुछ हद तक शुक्र का रत्न भी बनता है और बुध का रत्न भी बनता है, तो आप इस पर विचार अगर करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर राहु के रत्न की तरफ एकाएक आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगली जन्म कुंडली जो है ये मोहित मिश्रा जी की है, तो मोहित मिश्रा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 11 सितंबर 1996 सुबह के 9:52 और गोंदिया उत्तर प्रदेश। तुला लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह है। अब देखिए, सूर्य चंद्रमा की युति लाभ भाव में बनी हुई है। सूर्य चंद्रमा की युति मतलब आपका जो जन्म है वो लगभग लगभग अमावस्या के करीब का है। सूर्य 5:24 पर है और चंद्रमा 5 अंश पर है, मतलब कि अमावस्या आने ही वाली है। फलस्वरूप क्या होगा? सूर्य की महादशा है तो लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन मन बहुत ज्यादा अशांत दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की जो युति है ये पापकर्तरी योग में भी है। प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के योग हैं और कब तक? गवर्नमेंट जॉब के बिल्कुल योग हैं इस कुंडली में। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य लाभ भाव में स्वग्रही होकर के संचरण कर रहे हैं, और लग्नेश का जाकर के दशम भाव में बैठना, मंगल का जाकर के दशम भाव में बैठना नीच राशि में है, लेकिन फिर भी दशमस्थ है तो उनका प्रभाव होता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा की युति होने के चलते आपका मन बेहद अशांत है। होता क्या है, चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया है, और अमावस्या के आसपास जब आप छत पर जाकर के देखते हैं आसमान में चंद्रमा को, तो चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ते। तो चंद्रमा के दिखाई ना पड़ने के पीछे कारण क्या होता है कि सूर्य के उससे वो टोटली कवर हो जाते हैं, तो उनका प्रभाव नहीं रहता, वो पापक ग्रह बन जाते हैं। पापक ग्रह बन जाते हैं तो मन के कारक है, तो हमारे मन को बहुत ज्यादा वो अशांत करने लगते हैं। अगर हमारा जन्म अमावस्या के आसपास होता है तो मन में बुरे विचारों का आना, क्योंकि पापकर्तरी योग में भी है और पापक ग्रह बने हुए हैं, तो मन में बुरे विचार आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है। प्रिपरेशन तो भले ही अच्छी कर ले, पहले तो याद नहीं होता, प्रिपरेशन अच्छे से अगर कर भी लेते हैं तो नर्वसनेस इतनी होती है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में कि अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पीछे खींचेगी। कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में स्वग्रह ही बैठा है और कॉम्पिटिशन भाव में शनि जा करके बैठे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के तो योग बनते हैं, लेकिन आपका मन नहीं लगेगा। फिर भी अगर आप तैयारी करते हैं तो 2024 में इस कुंडली में सरकारी नौकरी के लगने के प्रबल योग हैं। आपको अपना प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस जन्म कुंडली में दीर्घकालिक रोग होने की संभावनाएं प्रबलतम दिखाई पड़ रही है। सूर्य की दशा भी कहीं ना कहीं रोग देने वाली भी मानी जाएगी, तो बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चंद्रमा को ठीक करिए, पूर्णिमा का उपवास करिए, सोमवार के दिन से प्रारंभ करके नित्य जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित किया करिए, उसके बाद साफ जल से अभिषेक करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करें और नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और फिर अपनी प्रिपरेशन को करिए। आप देखेंगे कि आपका मन काफी हद तक शांत हो रहा है। एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं, ये साधना की आईडी से है लेकिन कुंडली ये मानसी की है। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 25 अक्टूबर 2005। दोपहर के 12:09 रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड। मैं रुद्रपुर चेक करता हूँ पहले, रुद्रपुर धनु लग्न है और कर्क राशि आपकी आ रही है। किस क्षेत्र में भविष्य है, बिजनेस और जॉब? 2005 का जन्म है, अभी तो लगभग लगभग क्या उम्र होगी, अक्टूबर 2005 है तो 17 साल की उम्र है। धनु लग्न की कुंडली है, कर्क राशि है, अष्टम भाव में शनि चंद्रमा की युति विषयोग बना हुआ है और बुध की महादशा है। दशम पति लाभ में है, लाभ पति व्यय में है, व्यय पति पंचम भाव में जाकर के बैठे। वर्तमान में तो नौकरी की तरफ ही इशारा कर रही है कुंडली, नौकरी की तरफ जाए, नौकरी के क्षेत्र में ही भविष्य अभी सफल दिखाई पड़ता है।
आगे जा करके जब थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी तब व्यापार के विषय में जरूर सोच सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। शनि चंद्रमा की युति है, मन बेहद अशांत है, उस युति पर राहु की दृष्टि का पड़ना, कहीं से भी अभी व्यापार की तरफ नहीं। सूर्य भी नीला भाव में नीच राशि में बैठे राहु के नक्षत्र में, ठीक नहीं माना जाएगा इसको। वर्तमान में इनको जॉब की तरफ ही भेजा जाए, और फिलहाल तो कुछ ग्रेजुएशन वगैरह कराएंगे ना, 17 साल की उम्र है तो ग्रेजुएशन में या तो एडमिशन हुआ होगा या होने वाला होगा नेक्स्ट ईयर में, तो अभी ग्रेजुएशन पढ़ाई की तरफ भेजिए, थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है, पंचमेश पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, पढ़ाई अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। वो अलग बात है कि चतुर्थ में राहु है, शनि चंद्रमा की युति है तो मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई के बहुत अच्छे योग मुझे इस कुंडली में दिखाई पड़ते हैं। सूर्य मंगल का आमने सामने होना, पराक्रमी योग, बुधादित्य योग, मंगल बुद्ध का आमने सामने, गणितज्ञ योग, बहुत से योग इस जन्म कुंडली में लगे हुए हैं, दिमाग वाली जन्म कुंडली दिखाई पड़ रही है। तो पढ़ाई करा के फिलहाल में जॉब की तरफ भेजें, जब आगे उम्र बढ़ेगी तो व्यापार के विषय में विचार किया जाएगा। इस कुंडली में टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, और साथ ही साथ अगर कॉमर्स की लाइन में जाना चाहें तो वो भी इस कुंडली में अच्छे योग दिखाई पड़ते हैं, तो अकाउंटेंसी बैंकिंग फाइनेंस की तरफ भी आप इनको भेज सकती हैं। तो यही था बस, इनसे हनुमान जी की आराधना कराइए। हनुमान जी इष्ट देवता बनते हैं, सूर्य नीच राशि में बैठे तो सूर्य को जल देने की आदत, आदित्य स्त्रोत्र का पाठ कराएं, नहीं तो सूर्य अष्टकम का पाठ कराएं, सूर्य को बल देना शुरू करें। 3-4 साल 5 साल जैसे बीतेंगे तो सूर्य में बल आ जाएगा, बल आ जाएगा तो आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। वैसे मंगल स्वग्रही हैं तो मंगल के कारण वो आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन सूर्य आ जाएंगे थोड़ी गंभीरता उस आत्मविश्वास में और आ जाएगी। तो ये उपाय को कराइए, और अभी जॉब की तरफ भेजिए, बिजनेस की तरफ अभी मत भेजिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और अगर आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप अपने समय को थोड़ा सा निकाल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले सप्ताह में आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित रहूँगा। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।